कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। मैं हूँ रश्मि एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रश्मि रत्नम ब्लॉग। ओके, तो आज सबसे पहले आप लोग को वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। आज से नवरात्रि स्टार्ट है। आज फर्स्ट डे, आई मीन जो कलश स्थापन होता है ना, वो वाली डे है। तो इसलिए आप लोग को नवरात्रि की बहुत सारी विशेस। एंड हम लोग का पूजा हो गया है। हम लोग पूजा करते हैं, कलश स्थापन नहीं करते बट पाठ करते हैं एवरी ईयर। जब से मैं इधर आई हूँ शादी के बाद, तो तब से मैं एवरी ईयर शुरू से ही पाठ करती हूँ। पाठ होता है ना, तो वो मैं 9 दिन तक पाठ करती हूँ। एंड बहुत सारे लोग सॉल्ट नहीं खाते, अन्य नहीं खाते, फूड नहीं खाते, तो बट मैं कलश स्थापन नहीं करती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शौक बोलिए या फिर बहुत ज़्यादा दिल बोलिए, कलश स्थापन करना और कन्याओं को खिलाना, ये सब बहुत ज़्यादा है, बट अभी तक हो नहीं पाया बिकॉज यहाँ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो इसीलिए देखती हूँ कब तक कर पाऊँगी, करूँगी तो ज़रूर। फिलहाल अभी तक तो मैं पाठ ही करती हूँ। एंड हम लोग लहसुन प्याज इस टाइम पे 9 दिन हाँ, अष्टमी के बाद से तो नवमी वाले दिन से तो स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग लहसुन प्याज अवॉइड करते हैं। एंड बहुत सारे लोग तो अन्न भी नहीं खाते, सॉल्ट भी नहीं खाते हैं, बट हम लोग लहसुन प्याज अवॉइड करते हैं। एंड हो गया है पूजा, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी से फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है। नवरात्रि, देन कुछ दिन बाद दीपावली, देन हम लोग का सबसे बड़ा पूजा छठ पूजा। एक इमोशंस, एक फीलिंग जुड़ा होता है ना छठ पूजा से। तो फेस्टिवल सीजन तो स्टार्ट हो गया है। एंड सुबह सुबह पूजा हो गया हम लोगों का। मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, पूजा नहीं बस ऐसे ही थोड़ा सा, बिकॉज फर्स्ट डे था ना, फर्स्ट डे था तो कुछ ज़्यादा तैयारी करना पड़ता ना डे वन वाले। कल से फिर सब नॉर्मल हो जाएगा, आज थोड़ा सा ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है ना, क्लीनिंग वगैरह का। कल नाइट में तो मैं बहुत नाइट तक, समझिए 1:30-2:30 बजे रात तक मैं कुछ साफ सफाई की मंदिर की, बट होता है ना थोड़ा साफ सफाई तो मंदिर की होती ही है, रहता ही है साफ, बट पूजा में थोड़ा सा स्पेशल। और बहुत देर भी हो गई है, डे वन था ना आज, तो सब कुछ संभालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहुत देर हो गई है, मैं अभी किचन में आ गई हूँ, सुबह का टाइम है। एंड अभी तक तो चाय भी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले एंड हाँ, आज से तो स्टार्ट ही है, तो इसलिए मैंने ये भी पहना है ये मैं जानती हूँ ये अच्छा नहीं लगता मुझ पर, बट मैंने पहना है, दिल करता है कभी कभी। एंड इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, कैसे सारे लोग पहन लेते हैं यार, हमेशा के लिए हमेशा पहन के रखते हैं, मुझे इतना पेन हो रहा है। एंड ये भी पहना है एंड साड़ी पहना है। अब से ना मैं बहुत कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट साड़ी तो नहीं हो पाएगा रोज, बट मैं सूट कुर्ता डालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी, बट बिकॉज फेस्टिवल है ना तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा इंडियन अच्छा लगता है। तो चलिए सुबह का टाइम है, अभी किचन में आ गई हूँ, कितनी बार बोली सुबह का टाइम है, सॉरी। तो अभी तक तो चाय भी नहीं हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं रह चाय की, सबसे पहले मैं चाय बनाऊंगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। ब्रेकफास्ट में मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्या बनाऊँ, देखती हूँ जो भी बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत सिंपल बनाऊंगी। पहले कितना सारे रेसिपी शेयर करती थी ना, अभी इन दिनों जब तक नवरात्र है, बहुत ज़्यादा सुबह अमेजिंग रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज लहसुन प्याज वगैरह तो है ही नहीं। अब देखिए स्वीट वाली रेसिपी मेरे से जितना हो पाएगा मैं शेयर करूँगी, जो मैं बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड वो स्पाइसी वाली अभी ब्रेक है, पूजा के बाद से करूँगी। चलिए फिर, बहुत बहुत ज़्यादा नीड है चाय की, माई गॉड, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने सबसे पहले, देन उसके बाद। एंड ये जो बिंदी है ना, ब्लैक लग रहा है आप लोगों को, बट ब्लैक नहीं है, ब्लू है, ये वाली कलर की है, ठीक है, मुझे भी ब्लैक लग रहा है, ब्लैक नहीं लगाना चाहिए ना, प्लास्टिक वाला। तो चलिए चाय
बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। किचन का जो भी काम होता है वो चाय से ही स्टार्ट होता है। मैं जब तक चाय बना ना लूँ, पी ना लूँ, तब तक मेरा दिन की शुरुआत नहीं होती है। मैं अभी आप लोगों को बोली थी ना कि चाय की बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज सुबह से मैं बनाई नहीं हूँ और देर भी हो गई है। तो चलिए, मैं भेजूंगी तो और ज़्यादा देर लग जाएगी। मैं खुद ही जा रही हूँ भाग भाग के, पास में एक दुकान है, ट्राई मारती हूँ, देखती हूँ मे बी ना भी मिले, बिकॉज देर हो गई है। फिर भी मैं जा रही हूँ, जो भी मिलेगा मैं उठा के ले आऊंगी, कुछ ना मिलेगा तो मैं पाउडर वाला ही उठा के ले आऊंगी। पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, चाय पीऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी। अभी सुकून आया चाय पी के, तो अब मैं आराम से ब्रेकफास्ट बना सकती हूँ। ब्रेकफास्ट बनाने एंड आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, पूरी हलवा एंड आलू की भाजी बनाने वाली हूँ। सिंपल मतलब ड्राई वाली भाजी, ग्रेवी वाली सब्जी नहीं, ठीक है। तो ऑलरेडी हद से ज़्यादा देर हो चुकी है, तो मैं जल्दी जल्दी से शॉर्टकट में, क्विक में, बहुत जल्दी बाजी में ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। एंड ब्रेकफास्ट के बाद वेट नहीं करूँगी, किचन में ही रहूँगी और तुरंत बाद मैं लंच भी बना लूँगी। लंच बिल्कुल भी लेंदी नहीं करूँगी, बहुत एक दो चीज बनाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी।
पास ब्रेड थे तो मैं सोच रही हूँ मैं पहले वही बना लेती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा ठंडा करके खाना अच्छा लगता है, मतलब मुझे ठंडा करके खाना अच्छा लगता है, मुझे नहीं, आई मीन मेरे घर में सबको, आप कैसे भी खा सकते हैं, तो बहुत ही ईजी है, दो तीन चीजों से बन जाते हैं। मैं काफी दफा बना चुकी हूँ, बहुत बार बना चुकी हूँ, तो अभी जब भी ब्रेड मेरे पास बच जाता है ना तो मैं बना लेती हूँ। अभी है मेरे पास ब्रेड और तो मैं सोच रही हूँ बना के मैं फ्रीज में रख देती हूँ, जब ऑफिस जाएंगे तो ठंडा हो चुका होगा ना तो अच्छा लगेगा। तो पहले ये मैं बना लेती हूँ, इसको ना डुप्लीकेट वाला, मतलब क्या मैं बोलूँ, डुप्लीकेट वाला साई टुकड़ा बोल सकते हैं, ओरिजिनल वाला तो नहीं। तो चलिए मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ अभी, जो भी मेरे पास चीज है, जो भी क्या उतना ही चीज की जरूरत है, आई मीन जैसे मैं बनाती हूँ उसमें उतना ही चीजों की जरूरत है। तो चलिए आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ डुप्लीकेट वाला साइड टुकड़ा। बाबू भी बोल रहा था ब्रेड देखा ना तो बोला बना देने के लिए। तो ब्रेड एंड ये मिल्क पाउडर था मेरे पास एंड चॉकलेट सीरम, क्या है, हर्षी सीरम। तो इससे मैं जल्दी जल्दी से क्विक सा एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा ब्रेड का आइटम बना लेती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ, देन उसके बाद मैं लंच बना लूंगी। लंच बनाने का बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है एंड वैसे भी आज बहुत ज्यादा कुछ मैं इस तरह लंच नहीं बनाने वाली हूँ, तो चलिए पहले मैं ये डिश बना लेती हूँ।
फ्राइड है मीन सेक लीजिए, चीनी का सिरप बनाइए डिप कीजिए, चॉकलेट सिरप है तो डालिए नहीं तो बस रेडी। एंड मिल्क पाउडर में मैं इसलिए यूज की थी बिकॉज दूध को जला जला के बनाते हैं ना तो वो तो था नहीं, और अभी इतना मैं जो तो क्विक बनाना था इसलिए मैंने मिल्क पाउडर यूज किया। बहुत ज़्यादा अच्छा क्या बोलते हैं टिप्स है, टिप्स हाँ बहुत अच्छा टिप्स है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क एंड जो दूध का क्या बोलते हैं उसको जला जला के बनाते हैं वो ना हो तो आप मिल्क पाउडर दो पैकेट से, और मेरा बचा भी रह गया मैंने तो ऊपर से भी उसको डाला था, बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है बहुत ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ एक छोटा वाला ब्रेड का पैकेट मंगवा के एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज तक मैंने जितनी भी बार बनाया है बहुत सारे लोगों खिलाया, सब लोगों ने तारीफ़ किया है, बहुत अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा इसको ठंडा करके खाइएगा ना थोड़ा सा हार्ड हार्ड हो जाता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर दूँ बिकॉज जब ये सब बना रही थी ना तो मैं दूसरी साइड में लाल साग मुझे बनाना था तो वो मैंने बना लिया और आप लोगों से शेयर नहीं की इसलिए क्योंकि एक तो लाल साग दूसरे में कि उसमें विदाउट अनियन गार्लिक वगैरह तो फिर क्या शेयर करती ना, मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा। कुछ ऐसा होता ना कुछ भी अच्छा बना रही तो मैं जरूर शेयर करती बट वो तो ऐसे ही ऐसे बनाई थी इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और बहुत देर हो गई है मेरी हालत देखिए पसीना से गर्मी से तो मैं सोच रही हूँ ना इस वीडियो को एंड कर दूँ नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो ही गया है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं आप लोगों से मिलती हूँ विद द न्यू वीडियो, टिल देन बाय बाय गुड नाइट टेक केयर एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अभी नवरात्र आया है दो तीन दिन बाद बाहर निकलने का होता है ना यहाँ पे तो होता ही है तो बहुत सेफ्टी के साथ निकलिएगा, ये थोड़ा ना बोलूँगी कि नहीं निकलिएगा, बहुत सेफ्टी के साथ निकलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बस और क्या, बस अपना ख्याल रखिएगा। एंड आप लोगों को फिर से एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रा, हैप्पी नवरात्रा। एंड एक दो वीडियो बाद ना इसी वीक में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कुछ अलग होने वाला है, कुछ नया होने वाला है, मैं कहीं जाने वाली हूँ तो मैं आप लोगों से एक वीडियो बात शेयर करूंगी, ठीक है आज शेयर नहीं करूंगी बिकॉज है अभी टाइम इसलिए आज शेयर नहीं करूंगी। तो बस इस नवरात्रि माँ दुर्गा करे आप लोगों पे बहुत ज़्यादा अपना ब्लेसिंग्स बनाए रखे, आप लोग के लाइफ से जितनी भी सारी निगेटिविटी है सब चला जाए, सब निकल जाए, आप लोग बहुत हेल्दी रहें, खुश रहें, सेफ रहें, बस मैं तो यही बोल सकती हूँ, मुझे जितना जैसे बोलना आया मैंने बोल दिया। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।